दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं अंबेडकर जयंती के लिए एक सोशल मीडिया का पोस्ट। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, ये मेरा आर्टबोर्ड है जिसके ऊपर हम लोग आज का अपना ग्राफिक्स बनाने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने अपना बैकग्राउंड के लिए एक टेक्सचर डाउनलोड करके रखा था, उस टेक्सचर को इसमें अप्लाई कर ले रहा हूँ। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, ये मेरा टेक्सचर इसमें अप्लाई हो गया है। अब मैं ये वाला इमेज, अपना अंबेडकर का इमेज, इसमें इंपोर्ट करता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो मेरा इमेज इसमें इंपोर्ट हो चुका है और मुझे जिस जगह पर उसको प्लेस करना था उस जगह पर मैं उसको रख लिया हूँ। अंबेडकर का जो ये इमेज है इसके बैकग्राउंड में हम लोग कुछ कलर ऐड करने वाले हैं। ठीक है, कलर ऐड करने के लिए मैं इसमें ब्रश को यूज करूंगा। यहाँ से मैं ब्रश को करता हूँ सेलेक्ट, एक नया यहाँ से मैं लेयर क्रिएट करता हूँ और यहाँ से मैं पहले अपना कलर चेंज कर लूँगा। ठीक है, मैं कुछ इस तरह का कलर यहाँ से ले रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं पहले ब्रश का रोटेशन सही कर ले रहा हूँ अपना कुछ इस तरह से, और एक बार मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा कुछ इस तरह से, कलर चेंज करेंगे अपना और कुछ ऐसा, और ब्रश का रोटेशन चेंज करेंगे और एक बार यहाँ पे करेंगे क्लिक कुछ इस तरह से। ठीक है, ये हमारा इसका बैकग्राउंड रेडी हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसके पास एक हमको एक शेप बनाना है। ठीक है, शेप बनाने के लिए हम लोग रेक्टेंगल टूल को यूज करेंगे। तो मैं यहाँ से रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे एक शेप बनाता हूँ कुछ इस तरह का। ठीक है, इसका फिल को हम लोग ऑफ कर देंगे और इसका स्ट्रोक में हम लोग कलर ऐड करेंगे। ठीक है, कुछ इस तरह से। नेक्स्ट प्रोसीजर क्या हमारा है, अभी देखिए इस रेक्टेंगल का चारों कॉर्नर बिल्कुल शार्प है। ठीक है, इसको हम लोग कर्व करना है, तो हम लोग इसको पकड़ के कर्व करेंगे, ये कुछ इस तरह से कर्व हो जाएगा। ठीक है, इसको अच्छे से आप पहले अलाइन कर लो। ठीक है, ये अच्छे से अलाइन हो गया है। नेक्स्ट क्या है, हम लोग इसको शेप को, इस जो शेप हम लोग बनाए हैं रेक्टेंगल, इसको ट्रांसफॉर्म करना है। तो मैं ट्रांसफॉर्म करता हूँ और इसको रोटेट करता हूँ कुछ इस तरह से। ठीक है, ओके करेंगे फ्रेंड्स। इतना होने के बाद जो अभी हम लोग शेप बनाए हैं, इस शेप पर हम लोग ब्लेंडिंग ऑप्शन यूज़ करने वाले हैं। तो मैं सिंपली एफएक्स में जाता हूँ, ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाता हूँ और यहाँ से बेवल को ऑन करते हैं। ठीक है, सिंपली ओके फ्रेंड्स, इतना हमारा हो गया। नेक्स्ट क्या करने वाले हैं हम लोग, जो अभी हम लोग शेप बनाए हैं, इस शेप पे हम लोग मास्क यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर करता हूँ क्लिक, तो यहाँ पर मास्क एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ से मैं लूँगा ग्रेडियंट टू और यहाँ पर मैं इतना इसको मास्क एरिया को डिलीट कर दे रहा हूँ कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, ओके। अब ये देखिए पहले से बहुत बेटर लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो ये हमारा कंटेंट है, जिस कंटेंट को हम लोग इसमें यूज़ करने वाले हैं, इस कंटेंट को हम लोग अपने इस पोस्ट में यूज़ करते हैं, तो प्लेस करते हैं। सबसे पहले मैं फर्स्ट को यहाँ से करता हूँ कॉपी। ठीक है, टाइप टू लेता हूँ और यहाँ पे एक बार क्लिक करके कंट्रोल भी यानी कि पेस्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, साइज़ को मैं छोटा कर ले रहा हूँ जितना हमको चाहिए कुछ इस तरह से। ठीक है, कलर को मैं ब्लैक कर दे रहा हूँ इसको, ओके इतना हो गया। इसे वो अल्ट के साथ ड्रैग करेंगे नीचे और इसमें दूसरा कंटेंट हम लोग अपना टाइप कर लेते हैं। तो कंट्रोल सी, कंट्रोल वी और इसका फॉन्ट फैमिली में रखूँगा गौतम बोल्ड। ठीक है, गौतम बोल्ड। ठीक है, और इसको आपको अच्छे से प्लेस कर दो जहाँ पर आप इसको रखना चाहते हो। ओके फ्रेंड्स, इतना हमारा होने के बाद नीचे हम लोग कुछ और कंटेंट लिखने वाले हैं, लेकिन उसके लिए हमें कुछ शेप की ज़रूरत पड़ने वाली है। मैं फटाफट यहाँ पे एक शेप बना लेता हूँ। मैं शेप बना दूंगा, लाइक लाइन टूल लूँगा मैं और दो लाइन ड्रॉ करूँगा। ठीक है, तो यहाँ लाइन टूल लेता हूँ और यहाँ पे दो लाइन ऐसे ड्रॉ करता हूँ। मैं सिंपली एक लाइन ड्रॉ करूँगा और उसको अल्ट के साथ ड्रैग करूँगा तो इसका एक और कॉपी जनरेट हो जाएगा नीचे, और इसके नीचे यानी कि दोनों के सेंटर में, दोनों लाइन के सेंटर में हम लोग अपना कंटेंट टाइप करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं इस कंटेंट को करता हूँ यहाँ से कॉपी और सिंपली जो ये जो फर्स्ट हमारा कंटेंट है इसको हम लोग ड्रैग करेंगे, सॉरी हम लोग जो फर्स्ट कंटेंट है इसको हम लोग ड्रैग करेंगे यहाँ पे, डबल क्लिक करेंगे तो एडिट, कंट्रोल वी टू पेस्ट। ठीक है, इसका फॉन्ट फैमिली हम लोग चेंज करेंगे, पहले से साइज चेंज कर लेते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, और इसका फॉन्ट फैमिली हम रखने वाले हैं गौतम। ठीक है, गौतम, गौतम हम लोग इसका बुक रखेंगे, इसका फॉन्ट फैमिली गौतम बुक
और जो ये अप्रैल है इसको हम लोग बोल्ड करेंगे कुछ इस तरह से। नेक्स्ट हमारा कंटेंट जो ये है इसको हम लोग यहाँ से करते हैं कॉपी कॉपी, और ठीक इसी को हम लोग नीचे ड्रैग करेंगे अल्ट के साथ तो ये इसका एक कॉपी जनरेट हो जाएगा। डबल क्लिक करेंगे तो एडिट हो जाएगा और कंट्रोल भी करेंगे तो पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका हम लोग साइज कर लेते हैं छोटा कुछ इस तरह से, देन ओके। ठीक है, और हम लोग थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको इतना। ठीक है तो फ्रेंड्स ऑलमोस्ट हमारा पोस्ट ये रेडी हो चुका है। अब हम लोग इसमें अपना लोगो लगाते हैं। फर्स्ट फाइल पे जाता हूँ, प्लेस एम्बेडेड, और इसमें अपना लोगो इंपोर्ट करता हूँ। फ्रेंड्स हमारा ये लोगो यहाँ पे लग चुका है, और नेक्स्ट हम लोग एक नीचे और शेप बनाते हैं। फाइनली यहाँ पे मैं यहाँ से लेता हूँ अपना रेक्टेंगल टूल और यहाँ से मैं एक शेप ड्रॉ करता हूँ कुछ इस तरह से। ठीक है, और इसका कलर हम लोग हल्का डार्क रखेंगे, ज़्यादा डार्क नहीं हल्का डार्क रखेंगे ये कुछ इस तरह से। और इस कंटेंट को हम लोग अल्ट के साथ ड्रैग करेंगे, यहाँ पे करेंगे ड्रॉप, डबल क्लिक करेंगे एडिट हो जाएगा, और इसमें अपना हम लोग ईमेल आईडी लिखने वाले हैं। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, ये पोस्ट हमारा यहाँ पे होता है कंप्लीट। और आप चाहो तो इसमें कोई और शेप ऐड कर सकते हो, अगर आप नहीं चाहते हो तो नहीं करो, कोई दिक्कत नहीं है। ये पोस्ट कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट बताइएगा, और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, और हाँ सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक केयर, बाय बाय।